और एक दिन शिव जी ने सती जी से कहा, देवी राम कथा सुनने की इच्छा हो रही है, तो आप मेरे साथ चलेंगी क्या? सती जी ने कहा चलो चली चलूंगी। अच्छा, सती किसकी बेटी थी? दक्षराज की। दक्ष मतलब कौन? टैलेंटेड, अत्यधिक, और देवताओं का अधिपति था दक्ष, बड़ा पढ़ा लिखा, अहंकारी, उनकी सबसे छोटी बेटी, छोटा बच्चा वैसे भी थोड़ा जिद्दी हो जाता है, तो सती थी तो बड़ी टैलेंटेड। पति ने कहा कि राम कथा सुनने चलो, बोले चलती हूं। जब दोनों राम कथा सुनने अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे, एक बार त्रेता युग माही संभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, साथ में थी। अगस्त जी ने देखा कि मेरे आश्रम में भगवान शंकर आए, तो तुरंत खड़े हो गए, प्रणाम किया। जैसे ही अगस्त जी ने प्रणाम किया तो सती देवी का माथा ठनक गया कि ये तो उल्टा मामला है, वक्ता श्रोता को प्रणाम कर रहा है, जबकि होता तो ये है कि श्रोता वक्ता को करते हैं, तो ये क्या कथा सुनाएगा। सती जी के मन में संदेह आया, ज्ञानी थी ना, तो ज्ञान तर्क की कसौटी पे चलता है, और तर्क बिना संदेह के हो ही नहीं सकता, तो बस उसका स्वभाव है। तो वक्ता पे संदेह किया, पहली भूल। आपको कोई कथा सुनने जाना हो तो वक्ता पे कभी संदेह ना करिए, कथा नहीं उतरेगी। अब कथा आरंभ हुई, अगस्त जी ने बोलना शुरू किया, शंकर जी ने सुनना शुरू किया, पर सती जी का कथा में मन नहीं लगता, कभी इधर देखती कभी उधर देखती। कुछ लोगों को कथा में इधर उधर देखने का शौक होता है, वो इधर उधर दो चार बार गर्दन नहीं हिलाए तो उनकी कथा नहीं पचती, वो भी देख रही, शंकर जी बार बार टल्ला भी लगा रहे, देवी कथा सुनो, नहीं इधर देखें उधर देखें। दूसरी भूल, एकाग्रता न हो कथा में तो कथा कैसे उतरेगी। तीसरी भूल, जब कथा पूरी हुई प्रणाम करके चले, तो संयोग से राम कथा सुन के जब आए तो देखा कि बीच मार्ग में जंगल में भगवान श्री राम की विरह लीला चल रही, त्रेता का प्रसंग चल रहा, सीता जी का अपहरण हो गया, भगवान श्री राम हा सीते करके पुकार रहे हैं, विरह की लीला, रोए जा रहे हैं सामान्य पुरुष की तरह। हे खग मृग हे मधुकुर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, भैया ये क्या कर रहे हैं आप, पेड़ों से लिपट रहे हैं, मृग को अपने छाती से चिपका रहे हैं, ये ना करिए, होश में आइए। भगवान शंकर ने देखा, लो जिनकी कथा सुन के आ रहे हैं उनके ही दर्शन हो गए, ये तो अद्भुत कथा हुई। तो भगवान शंकर ने दूर से प्रणाम किया कि लीला चल रही है, बीच में जाना ठीक नहीं है, आपका कोई परिचित मंच पर अभिनय कर रहा हो तो आप क्या बीच में चले जाएंगे, इससे लीला अभिनय में बाधा आ जाएगी। तो भगवान कह रहे हैं, क्या सुंदर अभिनय कर रहे हैं राघवेंद्र सरकार, क्या सुंदर अभिनय कर रहे हैं। तो दूर से प्रणाम किया और अपनी पत्नी से कहा कि मैं प्रणाम कर रहा हूँ, आप भी करिए, जिनकी कथा हम सुन के आ रहे हैं उन्हीं के दर्शन हो गए, क्या सौभाग्य है। लेकिन नहीं करती। एक बात समझ लें, जिसकी कथा सुने और सुन के जब जाएं और उसके दर्शन हो जाएं, तो सुनो कथा सुन, फिर समझिए कि आपने कथा सुनी। कथा ऐसे सुनना चाहिए कि जब जाएं तो उसकी अनुभूति हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप निकलें तो बाबा महाकाल माँ खड़े मिल जाएंगे चौराहे पे, ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन जाएं तो अनुभूति तो मिले कम से कम, रात को शयन तक लगे तो सही कि किसी का स्पर्श हो रहा है, ऐसी कथा सुनी जाए। मना कर दिया, कहने लगी कि ये राम आप इनको प्रणाम कर रहे हैं, तो साधारण सा राजकुमार है, रो रहा है अपनी स्त्री के विरह में, मैं नहीं करती, और नहीं करती तो नहीं करती, परीक्षा अलग लूंगी। भगवान ने कहा, देवी आप परीक्षा लेने की बात कर रही हैं तो सावधान रहना थोड़ा, क्योंकि परमात्मा संदेह और परीक्षा का विषय नहीं होता। हाँ, परमात्मा जिज्ञासा का विषय हो सकता है, आप जिज्ञासा रखिए परमात्मा के प्रति, पर कृपया संदेह न रखें। पर पहुंच गई, भगवान शंकर चट्टान पे बैठ गए, हो ये सोई जो राम रची राखा को, कर तर्क बड़ा वैसा का, चलो जो इच्छा तेरी जा, पर ध्यान रखना मर्यादा मत छोड़ना। पर ये गई और सीता का वेश बना लिया और सोचा सीता सीता चिल्ला रहे हैं, मुझे देखेंगे तो तुरंत दौड़ेंगे, तो सीता बन के गई, भगवान श्री राम के सामने जाने लगी, श्री राम ने देखा, इनको लगा अब चिल्लाएंगे, पर क्या हुआ, श्री राम जी ने दोनों हाथ जोड़े, कहा माता जी प्रणाम, भोलेनाथ कहाँ हैं, कहाँ अकेली जंगल में घूम रही हैं, एकदम पकड़ाई, तुरंत लज्जा में डूब के भागी।
पकड़ा गई थी। वहाँ गई जहाँ उनके पति आँख बंद करके बैठे हुए। अच्छा देखो, शंकर जी ने एक सूत्र सिखाया, अपनी घरवाली को खूब समझाया, नहीं समझी तो झगड़ा नहीं किया, पंगा नहीं किया, बैठ गए आँख बंद, होइए सोई जो राम रची रखा। हजारों साल पहले घरवाला घरवाली को समझा और नहीं समझ में आए तो आज कौन सी समस्या है? नहीं आई तो नहीं आई, बैठ जाओ आँख बंद करके, कितना सुंदर सूत्र है, पंगा नहीं करना, उलझना नहीं, बैठ गए। वो भी आ गई, आई तो देखा पति आँख बंद करके बैठे, देखा आ गई आप, परीक्षा ले ली तो क्या कहती हैं? कछु न परीक्षा ली न गोसाई, कहती हैं मैंने परीक्षा नहीं ली। भगवान शंकर ने कहा अच्छा, और अगली पंक्ति में तो बिल्कुल झूठ बोल दिया, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, मैंने तो आप ही की तरफ प्रणाम किया। अरे भगवान शंकर ने कहा अच्छा, वो तो जानते थे कि ये कोई प्रणाम करने वाली नहीं है, वो तो अच्छी तरह जानते थे अपनी घरवाली को। और एक बात याद रखना आप, इस संसार में घरवाली घरवाले को और घरवाला घरवाली को जितने अच्छे से जानता है दुनिया में बाकी कोई नहीं जानता। आप कितने ही बड़े तोपचंद हो, आपके घर में पता लग जाएगा आप क्या हो, ज़्यादा ऊंचा नीचा नहीं चलना। तो भगवान शंकर तो समझ गए ये कोई प्रणाम करने वाली, आँख बंद करके देखा किसने किया क्या, जैसी आँख बंद करके देखा अरे ये क्या किया, मेरी माँ सीता का वेश धर लिया इस शरीर से, बड़े आहत हुए, आँख खोल के कहते हैं देवी ये आपने ठीक नहीं किया, आपने इस शरीर से मेरी पूज्य माँ सीता जी का वेश धरा तो अब आपका मेरा इस शरीर से पति पत्नी का संबंध नहीं रह सकता, मैं आपका मानसिक त्याग करता हूँ। और देखते ही देखते दाम्पत्य बिखर गया। देखिए जरा सी घटना हुई और शिव और सती का दाम्पत्य बिखर गया। सज्जनों देवियों, पति पत्नी संबंध ऐसा ही होता है दूध और पानी की तरह। आप दूध और पानी को मिला दीजिए, पता नहीं लगता किसने किसको रूप दिया, आकार दिया, स्वाद दिया। लेकिन खटाई की एक बूंद डाल दीजिए, दूध और पानी अलग हो जाता है। जिस दिन इस रिश्ते में झूठ छल अहंकार की एक बूंद गिरती है, देखते ही देखते रिश्ता बिखर जाता है। सती का त्याग कर दिया, सती बड़ी उदास हो गई। आज हमारे घरों में दाम्पत्य के बिखरने के जितने कारण हैं उनमें से ये तीन कारण भी है, झूठ छल और अहंकार। अच्छे अच्छे रिश्ते टूट गए इसके कारण, और चल भी रहे हैं तो ऐसा लग रहा है दूर से कि बस चल रहे हैं। आपने कभी दूर से रेल की पटरी देखी है? कभी दूर खड़े होकर रेल की पटरी देखना, दूर देखेंगे तो एक नज़र आएगी और जितने पास आके देखें तो दो होती है। आजकल घरों में पति पत्नी ऐसे ही हैं, दूर से तो एक दिखते हैं, बड़े संबंध मधुर दिखते हैं, बड़ा आइडियल जोड़ा दिखता है, पास में जाएंगे तो बहुत दूर हैं। आजकल पति पत्नी पास पास तो हैं, साथ साथ नहीं हैं। बस ये घट गई घटना, दूर हो गए एकदम से। सती जी सोचती हैं क्या करें क्या करें। संक्षेप में कथा सुना रहा हूँ। एक दिन विमान जाते देखे तो अपने पति से कहा कि मैंने सुना है ये सब कहाँ जा रहे हैं। कहा देवी आपके पिता दक्षराज ने यज्ञ किया, हमें आमंत्रित नहीं किया, हमसे वैर रखते हैं। ससुर और जमाई में बनती नहीं थी तो कह दिया आपके पिता ने हमको आमंत्रित नहीं किया, पर कहती हैं मैं जाऊँ अगर आपकी आज्ञा हो। भगवान ने कहा जाइए, लेकिन याद रखिए आप अपमानित हो जाएंगी। पर नहीं मानी तो चले गए, गण साथ में भेज दिए। वहाँ अपमान हुआ, इतना अपमान हुआ कि क्रोधाग्नि प्रज्वलित करके देह छोड़ दी। भगवान शंकर को पता लगा तो वीरभद्र को भेजा। अब तो भीषण युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ कि सब शिव गणों ने यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। भगवान विष्णु आए, विष्णु और शिव जी के गण वीरभद्र आमने सामने हो गए, पर पराजित नहीं होते। ब्रह्मा जी कथा सुना रहे नारद जी को, सूत जी कथा सुना रहे शौनकादि ऋषि को, वो कथा हम और आप सुन रहे सज्जनों देवियों। तो ब्रह्मा कथा सुनाते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु जी को भी शाप लगा था इसलिए पराजित होना पड़ा। अब कथा में कथा आ रही है तो वो कहते हैं एक राजा था क्षुभ नाम का,
उस शिव नाम के राजा का दधीची से युद्ध हो गया। दोनों वैसे तो मित्र थे पर ब्राह्मण श्रेष्ठ के क्षत्रिय इस बात को लेकर लड़ मरे, तो दोनों में आपस में इतना युद्ध हुआ कि शुक्राचार्य को शिव ने पटक दिया, हरिओम दधीची को पटक दिया। दधीची ने अपने गुरु शुक्राचार्य को याद किया, महाराज मैं पराजित हो रहा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षु नाम का क्षत्रिय राजा मुझे हरा रहा है, आप पधारिए। तो शुक्राचार्य आ गए। शुक्राचार्य ने कहा तू चिंता मत कर दधीची, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, ले तुझे मैं महामृत्युंजय मंत्र देता हूँ, इस मंत्र से तुझे मृत्यु का भय जाता रहेगा। और मंत्र दिया और मंत्र प्रकट हुआ, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ये मंत्र दिया, ये मंत्र यजुर्वेद का मंत्र है, इस मंत्र को आज भी महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जपा जाता है। इसका सीधा सा अर्थ है, जब बेल में ककड़ी पक जाती है तो उस बेल रूपी संसार से मुक्त हो जाती है। भगवान से परमात्मा से कहा गया है कि हम भी जब पक जाएं तो जीवन मृत्यु के बंधनों से तू हमको भी ऐसे मुक्त करना जैसे ककड़ी दड़ाम से पक के गिर जाती। इसलिए लिखा गया त्र्यंबकम यजामहे। त्र्यंबकम का अर्थ है कि हम हे त्र्यंबक, हे भगवान हम आपका यजन करते हैं। त्र्यंबक का अर्थ होता है जो तीनों लोकों का पिता हो, सत रज और तम के जो महेश्वर हैं। तो त्र्यंबकम लिखा, त्र्यंबकम यजामहे, हम आपका यजन करते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। महाराज सुगंधिम शब्द लिखा है कि जैसे फूलों में सुगंध होती है, ऐसी है भगवान शंकर आपके गुणों में, आपके कृत्यों में ऐसी सुगंध है कि हमको महसूस होती है। पुष्टिवर्धनम, ये जो आप महाराज उन अंतर्यामी पुरुष जिससे पूरी प्रकृति का पोषण हो रहा है, आप ही से पूरी प्रकृति का पोषण हो, इसलिए पुष्टिवर्धनम लिखा। फिर कहा उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षित मामृता। उसमें ऐसा कहा है कि जैसे खरबूजा जब पक जाता है तो कुछ करना नहीं पड़ता, स्वतः टूट जाता है, तो ऐसी मांग की है महाराज। उर्वारुक का मतलब होता है ककड़ी का पौधा, तो उन्होंने कहा महाराज हम भी ऐसे ही जब पक जाएं तो धड़ाम से गिर जाएं। ये ऐसा ना हो कि यमराज खींच रहा है, बीमार हो गए, परेशान हो गए, दुखी हो गए। मृत्यु को सहज और मृत्यु को होश में बनाने वाले मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, इसको जरूर जपा करें। आपको पक, आपकी ये कल्पना हो जाएगी कि जरा पके और गए, कोई तकलीफ नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई परेशानी नहीं, नहीं तो जो होना है वो तो होना ही है। दधीची को मंत्र दिया, इसको मृत संजीवनी मंत्र मान के दिया गया, हमको प्रतिदिन इसका जप करना चाहिए।